हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे रहोगे, मस्त रहोगे। तो ये एक मॉनिटर है AOC का, ठीक है। तो इसमें हम इसका स्क्रीन रिप्लेस करने वाले हैं इस मॉनिटर में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम इसका दिखा देता हूँ। पहले मैं इसे कुछ इस तरीके से रखता हूँ, ठीक है। अभी आप देख लेना इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ठीक है, और अभी मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखिए, नीचे से यहाँ से थोड़ा डैमेज है, ठीक है। कस्टमर को ये सब नहीं चलेगा, और बीच में ना जब इसे ऑन करेंगे ना, जब इस पर डिस्प्ले लगाएंगे तो इधर से लाइनिंग वगैरह भी आती है। ओके, तो ये सब इसमें दिक्कत है, और ख़ास करके खाली जो डैमेज है इधर से, तो ये कस्टमर को नहीं चलेगा। तो कस्टमर ने इसे चेंज करने के लिए बोला है, तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं, ठीक है। मतलब इसके स्क्रीन को रिप्लेस करने वाले हैं, और कैसे रिप्लेस करते हैं आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। वीडियो देखिए, AOC का मॉनिटर है, ठीक है। और इसका देखिए मॉडल नंबर है कि LCD मॉनिटर है, मॉडल नंबर है TFT 185W80PS, ठीक है। ये सीरियल नंबर वगैरह है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमको इतना डिटेल नहीं समझना है। फिलहाल देखिए कुछ भी करिए आप, ये देखिए इस तरीके से इसे खोल लीजिए पहले, ठीक है, इजीली, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका स्क्रीन इस तरीके से है, कुछ मतलब यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस तरीके, ये दो पिन का है, मतलब इस तरीके से इसका पिन है। तो हम पहले एक मॉड इसका स्क्रीन लेकर आते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सेकंड में दूसरा स्क्रीन तो है, अवेलेबल मिल गया, मतलब सॉरी गाइस, कस्टमर का फ़ोन आ गया था। तो चलिए अब हम इसे निकालेंगे पहले, ठीक है। ये मॉनिटर बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है। तो हालांकि इसे सावधानी से, इधर थोड़ा लॉक है तो संभालना होगा, ठीक है। थोड़ा सा तो इस तरीके से ये होता है, निकलता है, और इसे भी यहाँ से, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। इसे हमेशा निकालते समय ध्यान रखिएगा पिन को, ये जो दोनों रहते हैं साइड को, से ऐसे दबाइए इसको, ठीक है। ऐसा इसे दबाइए इस तरीके से, और पीछे खींचे तो आसानी से निकल जाएगा, टेंशन नहीं। और इसको, स्क्रीन को हमको पलटी मारना है, तो मैं इसे हटा दूंगा, ठीक है। तो ये निकल चुका है, और ये मेरे पास एक दूसरा है, ठीक है। पतला है ये थोड़ा, मतलब उससे, लेकिन अच्छा चलेगा। सॉरी गाइस, कस्टमर के फ़ोन आ रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो ठीक है। मैंने अभी इसे इस तरीके से बैठा दिया है, और अभी इसे पैनल को बैठाऊंगा मैं, ओके। तो थोड़ा सा संभालना होगा मुझे यहाँ पे, मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से फिट करूँगा ना, ये इस तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब मुझे इस केबल को भी अच्छे से बैठाना होगा, हालांकि मुझे यहाँ पे एक आदमी की और ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल मैं अकेला काम करता हूँ तो समझ सकते हो आप। इसे इस तरीके से पहले अच्छे से फिट कर लूँगा, ओके। अभी भी हाँ, ये अब अच्छे से बैठा हुआ, ओके। उसके बाद हमको यहाँ पे थोड़ा इसे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। और ये थोड़ा पतला पैनल है, तो इसे सावधानी से थोड़ा बैठाइएगा, क्योंकि मैंने भी सेकंड में लिया है तो वारंटी तो मिली नहीं है, ठीक है। अगर तो थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से फिट करना पड़ेगा, देख सकते हैं। फिर अच्छे से बैठाया मैंने, और अब हम इसे ऑन करेंगे। पहले इसे वापस से जैसा था वैसे का वैसा कर देंगे, बस यही सब चीज़ आपको याद रखनी रहती है, आपने कैसे खोला है और कैसे बैठाया उसको, ठीक है। और कुछ रहता नहीं है मॉनिटर फिटिंग वगैरह में, हालांकि ये किसको पसंद आएगी कितनों को नहीं मुझे नहीं पता,
ये सब चीज़ बहुत आसान है और ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो बट ठीक है, काफ़ी दिन हो गए मैंने भी कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो एक वीडियो तो बनता है। ठीक है, तो मैं इसे अब इस तरीके से रखता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, पावर आ गया और ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये देखिए एक नंबर, मतलब कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मुझे इस पर डिस्प्ले भी चेक करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो पहले मैं इसको मॉनिटर को फिट करता हूँ और फिर इसको डिस्प्ले पे लगा देता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए गाइस, ठीक है, अभी आया था डिस्प्ले वापस गया, मतलब अभी पूरा देखिए अच्छे से चल रही है। इस मॉनिटर को मैंने स्क्रीन इसका रिप्लेस किया है सिर्फ, ये देख सकते हैं, देखिए AOC का मॉनिटर है। ठीक है, और जिसका स्क्रीन मैंने निकाला था, देखिए एक्चुअली यहाँ था, उसका स्क्रीन मैंने निकाल के उसमें डाल के उसको रेडी किया। एक्चुअली एक कस्टमर को देना था रेडी करके, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो छोटा सा बना देते, 6 मिनट का वीडियो बना। हालांकि तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।